हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल प्रकृति और में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग मेरे सामने ये जो हम पौधे को ये पत्ते पे ये पानी मार रहे हैं, जो पौधा है ये अंजीर का पौधा है। अंजीर के पौधे पे काफ़ी सारे डस्ट जमा हो जाते हैं, इसे एक बार इस पौधे को कम से कम 2 महीने में एक बार इस पौधे को धुलैया करने पर यहाँ के पौधे काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, धूल मिट्टी निकल जाएंगी, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज़ हो जाएगी और पौधे में ढेर सारे अधिक से अधिक फल लगेंगे। आप लोग दिखा दें दोस्तों, ये अंजीर के पौधे पर काफ़ी सारे फल लगे हुए हैं। इसमें जो खराब पत्तियां हैं इसको भी निकालेंगे। अभी तो पौधे की धुलाई किए हैं, धुलाई इसलिए किया जाता है ताकि इस पौधे पर जो मिट्टी जमी है उसको निकाल देना। ये जो पुराने या सड़े हुए पत्ते हैं या ख़राब पत्ते हैं इसको भी पौधे से अलग कर दें ताकि फल अच्छे तरीके से ग्रो कर सके और पौधे में कीड़े मकोड़े न लगें। दोस्तों हम लोग दिखा दे रहे हैं, इसमें ढेर सारे अच्छे खासे फल निकले हुए हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे फल निकले हुए हैं। इस अंजीर के पौधे में एक खासियत होता है कि अंजीर का जो पौधा होता है पत्ते के ही साइड से जहाँ जहाँ पत्ता रहेगा वहीं वहीं से अंजीर का फल निकलेगा। इसका मतलब ये होगा जितने भी ब्रांचेज होंगे सारे ब्रांचों में इसमें फल निकलेगा। जितना भी कटाई छटाई आप करेंगे पौधे में, जितने भी ब्रांच निकलेंगे उसमें ढेर सारे अंजीर के फल आते रहेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने इस पौधे का कटाई छटाई भी किया है, इसमें छोटे छोटे जो भी डाल हैं उसमें भी फल निकल आए हैं। आप लोग देखिए दोस्तों, ये भी छोटे छोटे अंजीर के फल निकले हैं। काफ़ी अधिक मात्रा में अंजीर के फल निकले हैं। दोस्तों अगर आपको अंजीर का पौधा लगाना हो तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं और 6 से 7 महीने के अंदर ही इसमें फल देना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल प्रकृति और को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों ये बहुत जल्द ही फल देने वाला ये पौधा होता है। जितना जल्दी ये पौधा फल देता है ये किसी भी मिट्टी में ये पौधा आसानी से उगाया जा सकता है।